नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आपने MSME यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो आज की इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन किस तरीके से ऑनलाइन करना है और आखिर ये उद्यम रजिस्ट्रेशन होता क्या है पूरी डिटेल बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहेगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना ब्राउजर कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना होगा उद्यम रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आप जैसे ही उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्च करोगे तो फर्स्ट लिंक आ जाएगी udyamregistration.gov.in। दोस्तों इस वेबसाइट को आप ठीक से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन आपको इसी से रिलेटेड काफ़ी ऐसी फेक वेबसाइटें देखने को मिल जाएंगी जो कि इसी की कॉपी किए हुए हैं। और वहाँ पर क्या होता है कि आपसे पेमेंट वगैरह ले लिया जाता है, पेमेंट करवाई जाती है इस रजिस्ट्रेशन के बाद। लेकिन हालांकि ये जो रजिस्ट्रेशन होता है बिल्कुल ही मुफ्त होता है, किसी भी तरह का इस रजिस्ट्रेशन में चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो मैं आपको एक उदाहरण के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ ये आखिर उद्यम रजिस्ट्रेशन होता क्या है, जिसे हम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के थ्रू हमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और आखिर ये होता क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए आप एक किसान हो, आपको एक ट्रैक्टर लेना है, ठीक ना। अगर आप डायरेक्ट बैंक में जाते हो और बैंक से लोन मांगते हो कि भाई मुझे लोन चाहिए ट्रैक्टर लेने के लिए, बैंक आपको मना कर देगा, ठीक है ना। और उसी के अपोजिट अगर आप इस रजिस्ट्रेशन के थ्रू बैंक से बोलते हो मुझे ट्रैक्टर लेना है जिसके लिए मैं आपसे लोन लेना चाहता हूँ, तो बैंक वाले तुरंत तैयार हो जाएंगे, बोलेंगे भाई आप इस रजिस्ट्रेशन को ले आइए और जिस डीलर के थ्रू आप ट्रैक्टर ले रहे हो उस डीलर को भी बीच में लाइए, तो आपको यहाँ पर आसानी से लोन के रूप में, यहाँ पर फाइनेंस के रूप में आपको ट्रैक्टर दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग समझ चुके हो क्या होता है, मतलब कि छोटा मोटा अगर आप बिजनेस या फिर बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो वहाँ पर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम पड़ती हो तो इस रजिस्ट्रेशन की मदद से गवर्नमेंट आपको सहयोग करती है, इन्वेस्टमेंट देने की कोशिश करती है कि आप अपना व्यापार चालू रखिए, हम आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले तो अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले इस वेबसाइट को ओपन करना है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर एक आपको वेलकम टू रजिस्टर्ड हेयर का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली इस फर्स्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको आधार नंबर डालना है, नाम डालना है, इसके बाद यहाँ पर वेरीफाइड एंड जनरेट OTP बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर OTP आएगा, जो भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस OTP को यहाँ पर फिल करना है और आगे बढ़े के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे आपका आधार नंबर और पैन डिटेल मांगी जाएगी, ठीक है ना। पैन नंबर मांगा जाएगा, आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है। अब दोस्तों यहाँ पर जब पैन कार्ड डिटेल मांगेगा आपसे तो वहाँ पर एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा कि आप किसी फर्म के थ्रू या फिर प्राइवेट लिमिटेड, गवर्नमेंट लिमिटेड या फिर किसी भी तरह का आपका फर्म है उसका पैन कार्ड है उसके थ्रू यहाँ पर इस रजिस्ट्रेशन को करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको उन्हीं में से ऑप्शन में से सिलेक्ट करना होगा। अगर आप पर्सनली खुद के पैन कार्ड के थ्रू यहाँ पर लोन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको अदर ऑप्शन सेलेक्ट करके पैन नंबर डालने के बाद आगे बढ़े के बटन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर पैन वेरीफाइड हो जाएगा, पैन नंबर यहाँ पर डालने के बाद और यहाँ पर अदर सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो देखिए कुछ इस तरीके की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके की डिटेल आएगी तो यहाँ पर देखिए अगर आपके पास GST है तो एस करें, अगर नहीं है तो नो करें, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ और आना है तो यहाँ पर देखिए आपको अपना नाम वगैरह डाल देना है, वैसे तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना mail ID मोबाइल नंबर डालना होता है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ और आना है तो देखिए यहाँ पर आपको जो भी आपकी कैटेगरी है उसे सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है उसे सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि आप विकलांग है उसे सिलेक्ट करना है तो हाँ, नहीं तो नहीं। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर इस कस्टमर ने ई रिक्शा यहाँ पर लोन फाइनेंस किया था, जिसके लिए लोन लिया था, तो यहाँ पर उसने ई रिक्शा ड्राइवर अपना काम डाल दिया कि भाई क्या बिजनेस है, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ और आते हैं, इसके बाद उसने एड्रेस वगैरह अपना डाल दिया। एड्रेस वगैरह डालने के बाद इसमें यहाँ पर पिछली बार यहाँ पर कोई भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था या नहीं किया था, तो या नहीं किया था तो यहाँ पर NA डाल दिया, मतलब कि नॉट एप्लीकेट। तो इसके बाद यहाँ पर डिटेल डाल दी कि भाई कब से यहाँ पर आपने रिक्शा
कब से आपने यहाँ पर इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मतलब कि ड्राइविंग के बिजनेस को स्टार्ट किया, तो यहाँ पर 1 महीने पहले की डेट डाल दीजिएगा। इसके बाद कस्टमर का जो भी बैंक अकाउंट है उसको डाल दीजिए। इसके बाद कस्टमर मान लीजिए दुकान वगैरह खोल रहा है या फिर कुछ भी काम कर रहा है, तो उसमें कितने लोग भागीदारी कर रहे हैं, कितने पुरुष हैं, कितने महिला हैं, तो उनकी संख्या डाल दिया। अब ड्राइवर है तो उसका तो एक ही आएगा, तो इसलिए एक कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ और आते हैं, यहाँ पर सिंपली एस नो करते जाना है। नीचे की तरफ और आना है तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर अपने बिजनेस का नाम वगैरह डाल देना, जो भी आपका बिजनेस का नाम हो या फिर दुकान का नाम हो या फिर आप जैसे कि ड्राइवर हो तो ड्राइवर का जो भी नाम हो यहाँ पर डाल दीजिएगा। और एड यूनिट पर करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर देखिए आप जैसी इकाई यूनिट पर सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर से सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एड्रेस वगैरह डाल देना है, शॉप का एड्रेस हो तो शॉप का एड्रेस, नहीं तो आपका जो यहाँ पर भी बिजनेस हो या फिर घर का एड्रेस डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर ऐड प्लांट के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ और आना है तो यहाँ पर देखिए आप जो काम कर रहे हो उसे किस कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। विनिर्माण यानी कि आप कुछ बनाने का काम करते हो तो विनिर्माण सिलेक्ट करें। अगर आप कोई सेवा प्रदान करते हो तो यहाँ पर सर्विस सिलेक्ट करें। इसके बाद गैर व्यापारिक यहाँ पर आप अपनी सुविधा अनुसार डाल दिया किस तरीके का व्यापार है। इसके बाद दोस्तों आपके इस ऑप्शन को खाली छोड़ना है। यहाँ पर आपको अपने एरिया वाइज यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा जो भी आपके उद्योग विभाग के यहाँ पर सिलेक्ट कैटेगरी आती है, NIC जो चीज़ें यहाँ पर NIC में आपको सेलेक्ट करनी हो, वो जिस भी चीज़ से रिलेटेड आप यहाँ पर लोन वगैरह ले रहे हो उस चीज़ को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है लैंड ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट उसी तरीके से जिस तरीके से मेरे में यहाँ पर सिलेक्ट है उसी तरीके से आप भी सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रहे हैं सिलेक्ट करने के लिए, तो आप अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपके कैटेगरी में आते हो लोन की कैटेगरी में, ठीक है ना। इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट बटन मिलेगा। एक्चुअली मैं यहाँ पर ओल्ड फॉर्म को खोले हुए हूँ तो यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आपके में यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट करोगे तो एक OTP आएगा मोबाइल नंबर पर, उस OTP को आपको यहाँ पर डालना होगा। OTP को डालने के बाद यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा तो आपका फॉर्म फुल्ली फिलअप होकर आ जाएगा, ठीक है ना। फुल फिलअप होकर जब भी आपका फॉर्म आ जाए तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से डिटेल आएगी। अब यहाँ पर आपको प्रिंट सर्टिफिकेट के बटन पर क्लिक करना है और प्रिंट विद एनेक्जर के बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके टोटल 3 या 4 पेजेस निकलेंगे कुछ इस तरीके से। इन 3 या 4 पेजेस को आपको अपने बैंक में सबमिट करने होंगे या फिर अपने डीलर के पास ले जाने होंगे, अपना सामान यहाँ पर फाइनेंस करवाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तो होगी आपकी MSME यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन किस तरीके से आपको करना है। अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल वगैरह रहता है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम IDपर ही फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।